हेलो एवरीवन दिस इज विनोद कुमार गर्ग एंड यू आर वाचिंग माय चैनल एजुकेशन सिंपलीफाइड बाय ओसीडीसी एंड इन दिस वीडियो यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट व्हाट इज हेल्थ एंड व्हाट इज डिजीज राइट तो हमने बात कर रही है कि हेल्थ और डिजीज दोनों को कैसे डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे हेल्थ की हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग नॉट मीयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी इसका मतलब हुआ कि जो तीनों डायमेंशनज हैं हेल्थ की फिजिकल मेंटल और सोशल तीनों में फिट होने वाले इंडिविजुअल को हम हेल्दी बोल सकते हैं हेल्दी का मतलब सिर्फ डिजीज़ की एबसेंट होना नहीं होता द एन्जॉयमेंट ऑफ हाइएस्ट अटेनेबल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ अटेनेबल मतलब जिसको हम प्राप्त कर सकें ले सकें तो हाईएस्ट स्टैंडर्ड अटेन करना किसी भी इंडिविजुअल का एक फंडामेंटल राइट right है ठीक है विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, ना नस्ल का भेदभाव ना धर्म का और ना पॉलिटिकल, ना ही इकोनॉमिक और सोशल इन 1948, फोर्टी एट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंड हेल्थ विद फ्रेज दैट मॉडर्न अथॉरिटीज स्टिल अप्लाई मतलब 1948 में डब्ल्यू एच ओ ने डेफिनेशन दिया हेल्थ का जिसको आज तक माना जा रहा है हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग नॉट मीयरली द एबसेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी सो दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड्स हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन नाइनटीन फोर्टी एट इन नाइनटीन एटी सिक्स डब्ल्यू एच ओ मेड फर्दर क्लैरिफिकेशन रिसोर्स फॉर एवरी डे लाइफ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिविंग हेल्थ इज आ पॉजिटिव कंसेप्ट एम्फेसाइजिंग सोशल एंड पर्सनल रिसोर्सेज एज वेल एज फिजिकल कैपेसिटीज राइट मतलब क्या हुआ कि जो हेल्थ है वो हमारा रिसोर्स है हमारा हेल्थ इज पॉजिटिव कंसेप्टे पॉजिटिव कंसेप्ट है मतलब ये सोसाइटी के लिए भी अच्छा रिसोर्स है और हमारा पर्सनल रिसोर्स भी है राइट right? दिस मीन्स दैट हेल्थ इज अ रिसोर्स टू सपोर्ट एंड इंडिविजुअल फंक्शन मतलब जिसकी हेल्थ की बात हो रही है जिस भी इंडिविजुअल की उसके फंक्शन के लिए तो उसका रिसोर्स है ही है बट हमारी वाइडर सोसाइटी के लिए भी ये रिसोर्स है राधर दैन एंड इन इट्स सेल्फ मतलब किसी एक इंडिविजुअल का नहीं है हर इंडिविजुअल हेल्दी होना चाहिए पूरी सोसाइटी के अंदर हेल्थफुल लाइफ स्टाइल प्रोवाइड द मीन्स टू लीड अ फुल लाइफ विद मीनिंग एंड परपजस मतलब जो हेल्दी होगा वो अपनी लाइफ को एक मीनिंग और एक पर्पस के साथ जिएगा ठीक है तो नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स ऑफ हेल्थ की मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ इज द टू मोस्ट फ्रीक्वेंटली डिस्कस टाइप ऑफ हेल्थ मतलब सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन होती है टाइप्स की तो उसमें पहली आती है फिजिकल दूसरी आती है मेंटल मतलब मानसिक क्लियर फिजिकल मतलब शारीरिक तो आगे हम बात करें स्पिरिचुअल इमोशनल एंड फाइनेंशियल स्पिरिचुअल होती है अध्यात्मिक इमोशनल भावनात्मक एंड फाइनेंशियल मतलब आर्थिक इकोनॉमिकल ठीक है हेल्थ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू ओवरऑल हेल्थ मतलब हमारी किसी भी इंडिविजुअल की ओवरऑल हेल्थ कैसी रहेगी तो उस हेल्थ में स्पिरिचुअल इमोशनल एंड फाइनेंशियल डायमेंशनस ऑफ हेल्थ को भी देखा जाता है मेडिकल एक्सपर्ट्स हैव लिंक्ड दिस टू लोअर स्ट्रेस लेवल एंड इम्प्रूव मेंटल एंड फिजिकल वेल बीइंग इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर जो मेडिकल एक्सपर्ट्स जो हैं वो ऐसा मानते कि अगर कोई इंडिविजुअल स्पिरिचुअल इमोशनल एंड फाइनेंशियल वेलबींग फील करता है तो उसमें स्ट्रेस लेवल कम होगा और उसकी मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग भी पॉसिबल होगी ओके पीपल विद बेटर फाइनेंशियल हेल्थ फॉर एग्जाम्पल मे वरी लेस मतलब जिसकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है जिसके पास अच्छा पैसा है तो उसकी चिंता कम होती है मे वरी लेस अबाउट फाइनेंस एंड हैव द मीन्स टू बाय फ्रेश फूड तो अच्छा वो फूड खरीद सकेगा दोज विद गुड स्पिरिचुअल हेल्थ मे फील अ सेंस ऑफ काम जिसकी स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी होगी वो शांत फील करेगा एंड परपज दैट फ्यूल्स गुड मेंटल हेल्थ तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस इंडिविजुअल की मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी ठीक है तो आगे हम बात करें कि बेसिकली जो किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ है वो कलेक्टिव फैक्टर्स के कारण होती है जो भी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ते हैं वो कलेक्टिव इफेक्ट पड़ते हैं किसके फिज़िकल मेंटल और सोशल के ठीक है उसके सोशल हेल्थ भी देखनी है फिजिकल भी देखनी है मेंटल भी देखनी है दीज द डायमेंशंस जिसको हम मेजर तौर पे देखते हैं इंक्लूडिंग स्पिरिचुअल फाइनेंशियल हेल्थ ऑल्सो राइट सो पर्सन हु हैज़ गुड फिजिकल हेल्थ इज़ लाइकली टू हैव अ बॉडीली फंक्शन जिसकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी उसके बॉडी के जो ऑर्गन हैं वो बहुत अच्छा एफिशियंसी के साथ काम करेंगे एंड प्रोसेस वर्किंग एट देअर पीक मतलब जितनी भी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं वो अपनी पीक मतलब अपनी बे, जो बेस्ट एफिशियंसी है उसके ऊपर काम करेंगी सो रेगुलर एक्सरसाइज बैलेंस न्यूट्रीशन एडिकुएट रेस्ट ऑल कंट्रीब्यूट टू गुड हेल्थ राइट कि जो एक्सरसाइज है वो करने चाहिए बैलेंस न्यूट्रिशन लेना चाहिए एडिक्वेट रेस्ट लेना चाहिए पीपल रिसीव मेडिकल ट्रीटमेंट टू मेंटेन द बैलेंस वन नेसेसरी मतलब जब बैलेंस मेंटेन नहीं होता तो उसके लिए जो इंडिविजुअल है वो मेडिकल ट्रीटमेंट भी लेते हैं मेंटेनिंग फिजिकल फिटनेस फॉर एक्जाम्पल कैन प्रोटेक्ट एंड डिवेल्प द एंडोरेंस ऑफ पर्सन ब्रीदिंग एंड हार्ट फंक्शन मतलब एक्सरसाइज करने से फिजिकल फिटनेस रखने से जो भी इंडिविजुअल है उसका ब्रीदिंग फंक्शन और उसका हार्ट का फंक्शन अच्छा हो जाता है मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मसल्स बढ़ जाती है और साथ ही बॉडी की जो कंपोजिशन है वो भी जो है बैलेंस हो जाती है लुकिंग आफ्टर द फिजिकल हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑल्सो इन्वॉल्व रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इंजरी और हेल्थ इशू ठीक है कि फिजिकल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हमें कुछ जो हेल्थ इशू होते हैं जिसका रिस्क होता है हमें तो उसको रिड्यूस करना है जैसे मिनिमाइजिंग हेजार्ड इन वर्क प्लेस यहाँ पर भी काम करता है कोई भी इंडिविजुअल तो वहाँ पर हेजर्ड्स जो खतरा जो होता है उसको मिनिमाइज़ करना है यूजिंग कॉन्ट्रासेप्शन वैन हैविंग सेक्स तो जो भी लोग जो कपल्स होते हैं तो उनको कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना चाहिए ताकि वो डिजीज को अवॉइड कर सके किसी भी डिजीज को uh, जो भी एस टी डी होती है सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस प्रैक्टिसिंग इफेक्टिव हाइजीन मतलब साफ सफाई रखनी चाहिए अवॉइड यूज ऑफ टोबैको अल्कोहल एंड इलीगल ड्रग्स राइट देन अतः टेकिंग द रिकमेंडेड वैक्सीन फॉर अ स्पेसिफिक कंडीशन और कंट्री वैन ट्रैवलिंग जैसे आपको पता है कि आजकल करोना पैंडेमिक से हम यूज रहे हैं तो अगर कोई अभी भी किसी ना किसी कंट्री में ट्रैवल करता है तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी वैक्सीनेशन उन्होंने निश्चित की हुई है वो लगवानी चाहिए ओके okay? गुड फिजिकल हेल्थ कैन वर्क इन टेंडिंग विद मेंटल हेल्थ टू इम्प्रूव आ पर्सनस ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों का एक दूसरे के साथ जो है रिलेशन है ठीक है वो कहते हैं कि साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी तो वही रिलेशन यहाँ पर भी है फॉर एग्जाम्पल मेंटल इलनेस सच एज डिप्रेशन मे इनक्रीज द रिस्क ऑफ ड्रग यूज डिसऑर्डर्स जिनको डिप्रेशन होता है वो ड्रग्स के आदि हो सकते हैं दिस कैन गो ऑन एडवर्सली इफेक्ट द फिजिकल हेल्थ तो ड्रग्स के आदि अगर होंगे तो उसकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा इट इज़ हार्डर टू डिफाइन मेंटल हेल्थ मतलब मेंटल हेल्थ को डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है देन द फिजिकल हेल्थ क्योंकि फिजिकल हेल्थ के लिए हमारे पास बहुत सारे टेस्ट मेडिकल टेस्ट होते हैं बिकॉज मैनी साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस डिपेंड अपॉन मतलब जो साइकोलॉजिकल जो मतलब जो मानसिक सेहत है किसी की कि उसको डायग्नोज करना वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल के परसेप्शन के ऊपर और उसके एक्सपीरियंस के ऊपर मतलब हर इंसान का हर इंडिविजुअल का अपना परसेप्शन है और उसका अपना एक्सपीरियंस है ठीक है सो विद इंप्रूवमेंट इन टेस्टिंग हॉइ बट डॉक्टर्स आर नाउ एबल टू आइडेंटिफाई सम फिजिकल साइन ऑफ सम टाइप ऑफ मेंटल इलनेस जैसे कि सी स्कैन होता है कंप्यूटराइज टोमोग्राफी और कुछ जेनेटिक टेस्ट होते हैं तो अभी हम इतना एडवांस हो चुके हैं कि इन टेस्ट के थ्रू जो मेंटल इफेक्ट के फिजिकल साइन होते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के योग्य हो चुके हैं राइट गुड मेंटल हेल्थ इज नॉट ओनली कैटेगराइज बाय एब्सेंस ऑफ डिप्रेशन गुड मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि किसी को डिप्रेशन नहीं है एनजाइटी नहीं है तो वो गुड मेंटल हेल्थ से जी रहा है ठीक है बट ऐसा नहीं है इट ऑल्सो डिपेंड्स इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पर्सनस एबिलिटी टू एबिलिटी होती है योग्यता ठीक है मतलब उसकी योग्यता के ऊपर भी ये डिपेंड करता है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ हैज़ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दोनों में स्ट्रोंग कनेक्शन है फॉर एग्जाम्पल इफ द क्रॉनिक इलनेस अफेक्ट पर्सनस अबिलिटी टू कंप्लीट देयर रेगुलर टास्क अगर किसी की बहुत पुरानी बीमारी है क्रॉनिक मतलब होता है जो लंबे समय से हो ठीक है तो उसके कारण वो रेगुलर टास्क नहीं कर पा रहा तो उसका मतलब क्या हुआ कि उस पर्सन को स्ट्रेस और डिप्रेशन होने के चांसेस भी मैक्सिमम हो जाते हैं मेंटल इलनेस सच एज डिप्रेशन और एनोरेक्सिया एनोरेक्सिया होता है लैक ऑफ एपेटाइट भूख का ना लगना ठीक है भूख ना लगना उसको बोलते हैं एनोरेक्सिया कैन अफेक्ट बॉडी वेट एंड ओवरऑल फंक्शन अगर किसी को चिंता है डिप्रेशन है किसी को एनोरेक्सिया है तो उस इंडिविजुअल का ओवरऑल जो वेट है उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और साथ ही उसकी पूरी बॉडी के जो फंक्शंस हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस उसकी भी जो एफिशियंसी थी वो कम हो जाएगी ठीक है सो करना क्या चाहिए पर्सन को अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए बाउंस बैक आफ्टर डिफिकल्ट एक्सपीरियंस अगर हमें डिफिकल्ट एक्सपीरियंस कोई होता है लाइफ के अंदर तो उससे बाउंस बैक करना मतलब वापस निकलना चाहिए ठीक है अडेप्ट टू एडवर्सिटी बुरे समय के साथ बदलाव लेके आना है अडेप्ट करना है बैलेंस डिफरेंट एलिमेंट ऑफ लाइफ सच एज़ फैमिली और फाइनेंस इसको भी हमने बैलेंस में करना है ताकि हम गुड हेल्थ अटेन कर सकें फील सेफ और सिक्योर ठीक है एंड अचीव देयर फुल पोटेंशियल इसका मीनिंग क्या हुआ कि हर इंडिविजुअल में किसी भी काम को करने का अपना एक पोटेंशियल अपनी एक समर्था होती है तो उसको अचीव करना है अगर उसको हम अचीव कर जाते हैं तो हम मोटिवेटेड फील करते हैं और डिप्रेशन हमें नहीं होता मानसिक सेहत अच्छी रहती है सो इट इज इंपॉर्टेंट टू अप्रोच हेल्थ एज अ होल रादर देन एज अ सीरीज ऑफ सेपरेट फैक्टर्स मतलब हमने सेपरेट फैक्टर्स uh, के तौर पे हेल्थ को नहीं देखना हेल्थ को हमने एज ए होल देखना है ठीक है हम जैसे हमने बात की कि बहुत सारे इसके डायमेंशनस हैं तो सभी डायमेंशंस को एक साथ लेके चलना है ऑल टाइप ऑफ हेल्थ आर लिंक्ड सभी एक दूसरे के साथ लिंक्ड है एंड पीपल शुड एम फॉर ओवरऑल वेलबिंग एंड बैलेंस एज अ की टू गुड हेल्थ सो आगे हम बात करेंगे फैक्टर्स की फैक्टर दैट डिटरमाइंस बेटर हेल्थ जो भी बेटर हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं फैक्टर्स सो वी ऑलवेज स्ट्रेस ऑन द फैक्ट दैट द एनवायरमेंट सराउंडिंग अस शुड बी हेल्दी अदरवाइज इट मे लीड टू हार्मुल डिजीजेज़ मतलब हमारे आसपास जो हमारा वातावरण है जो भी हमारा इन्वायरमेंट है वो भी हेल्दी होना चाहिए therefore फोर वी कैन से दैट द पब्लिक is इज factor फैक्टर तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया हमारी गुड हेल्थ के लिए पब्लिक क्लीनिनेस ओके फॉर द बेटर हेल्थ ऑफ पीपल इन सोसाइटी पूरी सोसाइटी की हेल्थ देखनी है हमने अकेले इंडिविजुअल की हेल्थ से कुछ नहीं होता सो अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द प्रॉपर हेल्थ इज फूड नो वी कैन हैव फूड ऑनली इफ़ वी हैव मनी टू बाई इट हमारे पास अच्छा फूड तभी होगा अगर हमारे पास अच्छी मनी होगी उसको खरीदने के लिए देयर फोर वी कैन से दैट गुड इकनॉमिक कंडीशन ऑफ द सोसाइटी एंड एम्प्लॉयमेंट सभी के पास काम हो सबकी आर्थिक जो स्थिति होती है वो अच्छी हो ओके सो इट इज़ नीडिड फॉर द बेटर हेल्थ लास्टली वी कैन से वी कैन स्टे हेल्दी इफ़ वी आर लिविंग इन द टेंशन फ्री लाइफ ठीक है अगर हमें टेंशन नहीं होगी मतलब तो हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी और मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का स्ट्रांग कनेक्शन हम अभी पीछे कर चुके हैं कि दोनों में स्ट्रांग कनेक्शन है सो so, सभी जो आ, हमने बात की अभी कि सभी डायमेंशंस को कलेक्टिवली ही देखना चाहिए सो so, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट अल्दी इन्वायरमेंट अराउंड अस इफ़ एवरी वन कीप्स ऑन इल ट्रीटिंग ईच अदर कि हमारे आस पास का जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा कैसे होगा अगर हम एक दूसरे के साथ ही ब्लेम गेम खेलते रहेंगे ठीक है अच्छा भी व्यवहार नहीं करेंगे सो वी कैन से दैट अ गुड सोशल इन्वायरमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर बेटर है ये हमारा नेक्स्ट फैक्टर हो गया सोशल इन्वायरमेंट कि हमारी सोसाइटी भी अच्छी होनी चाहिए तभी हम हेल्दी फील कर सकते हैं ठीक है थेके? तो सभी फैक्टर्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं सो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि डिजीज़ क्या होती है ओके वी कैन से दैट डिजीज इज़ ए एन एबनॉर्मेलिटी और डिस्टर्बेंस कॉज्ड इन अवर बॉडी कि हमारी बॉडी के अंदर किसी भी फंक्शन में किसी भी ऑर्गन में अगर कोई एबनॉर्मेलिटी है मतलब नॉर्मल से कोई डिविएशन हो चुकी है या फिर कोई डिस्टर्बेंस है तो उसको हम डिजीज़ बोलते हैं बेसिकली इसका मीनिंग होता है डिसइज मतलब आराम ना होना कोई चीज़ अच्छी ना होना डिजीज़ इज़ एनी हार्मफुल डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल स्टेट ऑफ एन ऑर्गेनिजम किसी के जो ऑर्गन है हमारी बॉडी के उसके स्ट्रक्चर की एबनॉर्मिलिटी होनी या फिर उसके फंक्शन की एबनॉर्मिलिटी होनी ओके okay? एंड जनरली अ डिज़ीज़ इज़ एसोसिएट विद साइंस एंड सिम्टम्स मतलब जो भी किसी पर्सन को जब डिजीज़ होती है तो उसके साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं साइंस वो होते हैं जो डॉक्टर को दिखते हैं ठीक है जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर हमारी आइज़ को चेक करता है तो वो साइन देख रहा है किसी डिजीज़ का या हमारी टंग को चेक करता है बट अगर हम सिम्टम की बात करें तो जो सिम्टम्स होते हैं वो पेशेंट खुद बताता है ठीक है अगर किसी को पेन हो रहा है तो तो जिसके हो रहा है उसको पता है तो वो डॉक्टर को बताएगा कि मुझे पेन है तो पेन क्या होगा एक सिम्टम हो गया राइट दस नॉर्मल कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मस्ट बी अंडरस्टूड इन ऑर्डर टू रिकोगनाइज द हालमार्क ऑफ डिजीज़ मतलब सिंपल सी बात है अगर आपने किसी को बोलना है कि आपको डिजीज़ है ठीक है तो आप कैसे बोलोगे अगर आपको उसके फंक्शन को चेक किया मान लीजिए कि हम शुगर का एग्जाम्पल लेते हैं किसी का शुगर आता है 140 ठीक है तो आपको पता है कि जो अपर लिमिट है नॉर्मल लिमिट है वो 120 है तो आप उसको डिजीज़ बताओगे कि यू आर डायबिटिक तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप डिजीज़ किसी को बोलोगे तो तब बोल सकते हो अगर उसका पहले आपको नॉर्मल फैक्टर पता हो कि नॉर्मल वैल्यू क्या है तभी आप बताओगे कि उसकी अब वैल्यू क्या है कौन सा पर्सन डिजीज है कौन सा नहीं है ओके सो दिस वॉज आल अबाउट वाट इज़ हेल्थ एंड वट इज़ डिजीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जिसमें हम बात करेंगे वॉट इज़ द डिफ्रेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री राइट सो थैंक्स वांस अगेन